हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगजेब और जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक, जिसमें मेरा मकसद है कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन एक से लेकर मतलब फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू एंड इसको मंतकी अंजाम तक ना सिर्फ पहुंचाना है इस सिलसिले में कि इसको वीडियो की सूरत में आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इसके अलावा मेरा मकसद है कि आपकी रहनुमाई हो सके जो कि न्यू बिगनर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं लॉ की फील्ड में। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सब्जेक्ट पाया जाता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ही होता है और उसके अलावा कानून शहादत आर्डर। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आपकी रहनुमाई हो जाए और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को हम कम्प्लीट कर लेते हैं, इसकी जो टॉपिक है इसका जो सब्जेक्ट है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा कि एक से लेकर दो सेक्शन तक पहली वीडियो बनाई थी मैंने, दो के बाद फिर 3 से लेकर 15 तक दूसरी वीडियो, अब ये तीसरी उसी सिलसिले की कड़ी है जो मैंने सेक्शन 15 तक छोड़ी थी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 16 के मुतालिक बात करते हैं। सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, केस वहीं दाखिल होगा जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट मतलब जो जहां पर प्रॉपर्टी मौजूद है वहीं पर केस दाखिल किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी आर अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, अगर किसी पेक्यूनरी मतलब माली मामलात के मुतालिक लिमिटेशन हुदूद किसी कानून में बयान की गई हैं तो सूट्स मुकदमात ए फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर विथ आर विदाउट रेंट आर प्रॉफिट्स, के जो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई रिकवरी करनी है विथ आर विदाउट रेंट अगर किराए के साथ आर प्रॉफिट से या उस पर जो नफा हुआ है फायदा हुआ है उसके साथ या उसके बगैर, तो ये केस वहीं दाखिल किया जाएगा सूट फॉर रिकवरी जहां पर सब्जेक्ट मैटर मतलब प्रॉपर्टी मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी मौजूद है लाड़काना शहर में तो उसका केस वहीं लाड़काना शहर में ही दाखिल किया जाएगा, या फिर कराची शहर में एक प्रॉपर्टी मौजूद है तो कराची शहर में ही दाखिल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रॉपर्टी लाहौर में हो और उसका केस फिर कराची में दाखिल किया जाए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पर केस दाखिल किया जाएगा, चाहे उसका किराया हो या फिर उसके नफा फायदे हो तो फिर केस वहीं दाखिल होगा जहां पर प्रॉपर्टी है। बी फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी की तकसीम करनी है तो भी वो केस वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर प्रॉपर्टी मौजूद है। फॉर फोरक्लोजर, अगर किसी जब्त की होनी हो प्रॉपर्टी की, सेल अगर उसको बेचना हो, और रिडेम्पशन अगर उसको हासिल करना हो इन द केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ, अगर चाहे वो मॉर्गेज मतलब कर्जे के तौर पर रखी गई हो, ऑफ आर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई चार्जेस रहते हैं तो केस वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। डी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट आर इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई किसी किस्म का हक है हुकूक है आर इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई फायदा हासिल कर रहा हो तो भी वो वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है। फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह मुख्तस है कहीं तो उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया है और उसका हर्जाना हासिल करना है तो वो भी वहीं दाखिल किया जाएगा केस जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन आर अटैचमेंट, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो लेकिन वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई हो या फिर उस पर उसकी अटैचमेंट हो तो केस वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर वो प्रॉपर्टी है। शेल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज ज्यूरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, उसी कोर्ट अदालत के हुदूद में केस दाखिल किया जाएगा जहां पर प्रॉपर्टी मौजूद है। आर इन द केस ऑफ सूट्स रिफर्ड टू इन क्लॉज सी एट द प्लेस वेयर द क्लॉज कॉज ऑफ एक्शन हैज होली आर पार्टली अराइजन,
या फिर जहाँ जो क्लॉज सी के मुताबिक बताया गया है कि जहां पर प्रॉपर्टीज सिचुएट होगी वहीं पर केस दाखिल किया जाएगा, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है चाहे वो पूरा हो या फिर मुख्तसर, लेकिन जहां पर कॉज ऑफ एक्शन मुतनाज़ा हो गई ये प्रॉपर्टी तो वहीं पर केस दाखिल किया जाएगा, प्रोवाइडेड देट अ सूट ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग आर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट मे, वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। अगर किसी प्रॉपर्टी पर फॉर रॉन्ग तो अगर किसी हर्जाना हासिल करना हो प्रॉपर्टी के ऊपर तो फिर वही केस वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर उसके केस दाखिल करने की बयान की गई है। हुदूद बी इंस्टीट्यूटेड इधर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट आर इन द केस ऑफ सूट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज सी के जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पर केस दाखिल किया जाएगा, या फिर उसी कोर्ट की हुदूद में केस दाखिल किया जाएगा जहां पर, या फिर जो क्लॉज सी में बताई गई हुदूद है वहां पर केस दाखिल किया जाएगा। एट द प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज होली आर पार्टली अराइजन आर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलेंटरली रिजाइड्स आर कैरीज ऑन बिजनेस आर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर केस वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर जो डिफेंडेंट है जहां पर उसकी बिजनेस करता है या फिर रिहाइश है, केस वहीं पर दाखिल किया जाएगा या किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, मतलब प्रॉपर्टी के माने हैं मिल्कियत, के मिल्कियत पाकिस्तान में वाकई हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज अगर आपको उसके अलावा भी कोई बात समझनी या फिर पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 17 की जानिब। सेक्शन 17 सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, मुकदमा दाखिल करने के जो हदूद बंदी है अगर किसी एक अदालत या उससे ज़्यादा अदालतों की हदूद में प्रॉपर्टी मतलब मिल्कियत वाकई हो तो उसका तरीक़ेकार। वेयर अ सूट ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग आर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी मिल्कियत एक एक अदालत की ज़्यादा से अदालतों की हदूद में वाकई है तो उस सूरत में केस किसी भी कोर्ट में किसी भी अदालत में केस दाखिल किया जा सकता है जिसकी हदूद में उसका पोर्शन आता है। प्रोवाइडेड दैट आगे बयान किया गया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी का वैल्यू वो सारा ही उस कोर्ट ने चलाना होगा, तो फिर सारा जो केस है वही मुकदमा वही कोर्ट चलाएगी जिसकी अगर कोई क्लेम करता है और उसी अदालत में केस दाखिल करता है तो उसी अदालत में फिर ये मुकदमा सुना जाएगा। इस सेक्शन को अगर मुख्तसर से अगर अल्फाज में आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी कोई मिल्कियत एक एक अदालत की ज़्यादा से हदूद में वाकई है तो फिर केस वहीं दाखिल किया जाएगा जहां पर आप केस दाखिल करना चाहते हैं और वो अदालत सारा का सारा मुकदमा सुनने की पोजीशन में होगी या फिर उसको मुकदमा सुनना या चलाना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर 18 की जानिब। सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, अगर एक अदालत की ज्यादा से या फिर एक अदालत की हुदूद पर शक है तो वहां पर केस किस तरह से दाखिल किया जाए तो उसके दाखिल करने का तरीक़ेकार, मतलब केस किस तरह से दाखिल किया जाएगा वो इस सेक्शन में बयान किया गया है। वेयर इट इज एलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ टू आर मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में इफ सेटिस्फाइड देयर इज ग्राउंड फॉर द एलेज्ड अनसर्टेनिटी
Record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property. And its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of the jurisdiction. अगर के इस बात की गैर यकीनी सूरत हाल है कि केस कौन सी कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, किसकी हदूद में केस या प्रॉपर्टी वाके है, तो फिर केस उसी अदालत में चलाया जाएगा जिस अदालत को काजा फिक्शन या फिर कागनीजेंस लेती है। तो फिर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो मुकदमा चलाएगी और वो जो डिग्री पास करेगी उसकी अहमियत या उसके जो मुकदमे का फैसला होगा वो इस तरह से ही होगा कि जिस तरह उसकी कोर्ट में अदालत की हदूद में प्रॉपर्टी वाकई है। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की, इसको आगे पढ़ लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द सूट इज वन विथ रेस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड्स द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन। अगर उस कोर्ट ने जिसने मुकदमा चलाया हो और वो कॉम्पिटेंट है तो उसकी जो नेचर एंड वैल्यू होगा वो एक्सरसाइज करेगी ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक। वेयर स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वॉज मेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट शल not allow the objection unless it's in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice ke agar kisi adalat ne mukadme mein statement record nahi ki to revisional ya appellate court agar ye samajhti hai ki usko objection उसी वक्त रेज नहीं किया गया तो उसके असरात नहीं होंगे जब तक के अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। तो उम्मीद करता हूं इन मुख्तसर सी वीडियोस के जरिए आपकी रहनुमाई हो सकेगी। ना सिर्फ आप एक शागिर्द के तौर पर सीखेंगे समझेंगे, लेकिन उसके अलावा आप जो साइल होते हैं, साइलिन जिनको केसेस दाखिल करने में, मुकदमा दाखिल करने में परेशानी का सामना करना होता है, पड़ता है, तो उनकी भी रहनुमाई हो सकेगी। आपसे दरखास्त होगी कि इस मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, जिसका अभी नाम मैंने फ्रेशली तब्दील किया है अकाफ लॉ एसोसिएट्स के नाम से, आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद कानूनी वीडियोज आपको मिलती रहे। और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।